तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों इसके फ्रंट के लुक्स के। तो फ्रंट का लुक है काफ़ी बोल्ड लुक है, काफ़ी जी वैगन टाइप का, काफ़ी बॉक्सी टाइप का लुक्स यहाँ पे आप इस गाड़ी के अंदर दिया जाता है। फ्रंट का लुक देख सकते हैं, बहुत ही बड़ी गाड़ी है और काफ़ी सारे पैसेंजर एक साथ इसके अंदर बैठ सकते हैं। तो फ्रंट से शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों इसके जो फ्रंट का जो सबसे पहले देखें तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ क्रोम के साथ फोर्स की बैजिंग देखने मिल जाती है। नीचे की साइड यहाँ पर फोर्स का लोगो देखने मिल जाता है, काफ़ी शानदार दिया जाता है। और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको ब्लैकिश करके यहाँ पर ग्रील्स दी जाती है जिससे आपका एयर का इंटेक हो जाता है, काफ़ी अच्छा लुक्स यहाँ पे आपको इसके अंदर प्रदान कर रही है। बात करें इसके हेडलैम्प्स की तो यहाँ पे आपको हेलोजन बेस्ड स्क्वायर हेडलैम्प्स आपको देखने मिल जाती है जिसका नाइट के हिसाब से काफ़ी अच्छा थ्रो रहने वाला है और साथ में इंडिकेटर भी यहाँ पे आपको इसके अंदर दिए जाते हैं। इसके जस्ट नीचे की बात करें तो यहाँ पर आपको हार्ड प्लास्टिक का बना हुआ बम्पर देखने मिल जाता है जहाँ से आप इसको आफ्टर मार्केट इसके अंदर आप इसमें फॉग लैंप लगवा सकते हैं और जो एसी के ऑप्शन आता है उसके अंदर आपको इनबिल्ड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। तो फ्रंट का ओवरऑल लुक देखें तो बहुत ही शानदार लुक्स यहाँ पे इस गाड़ी का अंदर निकल के आता है। अब बात करें इसकी बोनट की साइज़ की तो यहाँ पे आप जो बोनट देखोगे तो वो काफ़ी बड़ा बोनट यहाँ पे आपको इसके अंदर दिया जाता है। बोनट की लेंथ देखो काफ़ी बड़ी लेंथ यहाँ पे आपको इसके अंदर दी जाती है जो सेफ्टी के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा अच्छी चीज़ यहाँ पे इसके अंदर दी जाती है। यहाँ से आपका एयर का इंटेक हो जाता है और यहाँ पर देखोगे तो इसके गाड़ी के अंदर अच्छी चीज़ है। यहाँ पर देखोगे लुक्स देखोगे बहुत ही शानदार है। यहाँ पर जो सब जगह देखोगे यहाँ पर ब्लैक फिश करके यहाँ पर आपको यहाँ पर आप क्लैडिंग की गई है आगे से लेकर पीछे तक जो कि काफ़ी लुक्स वाइज देखे तो गाड़ी को काफ़ी अच्छा लुक्स यहाँ पर प्रदान करती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके फ्रंट के टायर की तो इसके अंदर जो फ्रंट में जो टायर है 15 इंच के टायर यहाँ पे आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट के अंदर आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती है, रियर के अंदर आपको ड्रम ब्रेक आपको इसके अंदर दिए जाते हैं। अब बात करें इसके सस्पेंशन की तो फ्रंट के अंदर आपको डबल विशबोन टाइप का सस्पेंशन देखने को मिल जाता है जो कि टॉर्शनल बार के साथ, एंटी रोल बार के साथ और ड्यूल एक्टिंग शॉक अब्जॉर्बर के साथ आपको ये दिया जाता है। तो यहाँ पर आप इसके अंदर देख सकते हैं ईजिली डबल विशबोन टाइप का इसके अंदर दिया जाता है। अब चलते हैं इसके पीछे की साइड तो यहाँ पे आपका साइड इंडिकेटर FM 2.6 के रिलेटेड यहाँ पे आपको ग्राफिक्स देखने मिल जाती है। यहाँ पे कुछ अलग नॉर्मल ग्राफिक्स यहाँ पे आपको इसके अंदर दी जाती है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे आपको मैनुअल एडजस्टेबल यहाँ पे रियर व्यू मिरर आपको इसके अंदर दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका साइड का प्रोफाइल कुछ इस तरह रहने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी सेकंड रो का कुछ इस तरह है जहाँ से आपको लॉक अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ से सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ से इसको प्रेस करना पड़ेगा, यहाँ से इसको प्रेस करना है और यहाँ से इजीली आप इसको डोर को ओपन कर सकते हैं। नीचे की साइड देखिए तो यहाँ पे आपको सिंगल फुट स्टेप यहाँ पे दिया जाता है जिससे आप इजीली इस गाड़ी के अंदर चढ़ सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें पीछे की साइड रियर टायर की बात करूँ तो रियर में भी आपको 15 इंच के टायर यहाँ पे आपको देखने जाते हैं और सस्पेंशन यहाँ पे आपको पैराबोलिक सस्पेंशन इसके अंदर दिया जाता है। रेक्टेंगुलर टाइप का इसके अंदर फ्रेम का रखा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं रेक्टेंगुलर टाइप की सी फ्रेम यहाँ पे इसके अंदर गाड़ी के अंदर दी जाती है। अब चलते हैं इसी के साथ यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्रूज़र की ग्राफिक्स यहाँ पे आप गाड़ी के अंदर दिख जाती है जो कि काफ़ी अच्छा लुक्स यहाँ पे गाड़ी को प्रदान करती है। ऊपर की साइड देखें तो यहाँ पे आपको जो थर्ड रो है यहाँ पे आपको स्लाइडिंग विंडो यहाँ पे इस गाड़ी के अंदर दी जाती है, यहाँ पे इजीली आप इसको स्लाइड वगैरह कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों इसके बैक साइड के व्यू पे तो बैक साइड का व्यू देखें तो काफ़ी शानदार और काफ़ी मस्कुलर टाइप का लुक्स यहाँ पे उसके अंदर दिया जाता है जहाँ सबसे पहले पीछे की साइड यहाँ पर आपको 3 बोल्ट के साथ यहाँ पे उसको स्टेपने को माउंट किया गया। इधर की साइड देखें तो BS6 की बैजिंग यहाँ पे आपको ट्रैक्स की बैजिंग देखने जाती है। यहाँ पे आपकी ब्रेक लाइट्स, इंडिकेटर और यहाँ पे आपको बैक लाइट रिवर्स लाइट यहाँ पे आपको इसके अंदर दी जाती है। काफ़ी लुक देखें तो काफ़ी फिनिशिंग बहुत ही शानदार फिनिशिंग इसके अंदर दी जाती है। सेफ्टी के हिसाब से देखें तो यहाँ पर नीचे की साइड यहाँ पर आपको एक रिफ्लेक्टर देखने मिल जाता है, साथ में 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर भी यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर दिए जाते हैं। नीचे की साइड यहाँ देखोगे तो यहाँ पर आपको फुट स्टेप भी देखने को मिल जाता है और इधर की साइड यहाँ पर फोर्स की बैजिंग यहाँ पे इसके अंदर दी जाती है। पीछे का जो ग्लास है वो भी काफ़ी अच्छा क्वालिटी का ग्लास यहाँ पे इसके अंदर यूज़ किया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा लुक्स यहाँ पे इस गाड़ी को प्रदान करता है। अब खोलते हैं इसके पीछे की जो स्पेस है वो किस तरह रहने वाला है अपन देखते हैं। तो यहाँ पर इसको ओपन होने के बाद कुछ व्यू इस तरह निकल गया था। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर अब लगभग 90 डिग्री के आसपास इसको डोर को ओपन कर सकते हैं जिससे क्या है कि इजी और इजी एग्जिट कर सकते हैं, यहाँ पे इजी एंट्रेंस और एग्जिट कर सकते हैं जहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको डोर ओपनर वगैरह देखने जाता है, हैंडल बार वगैरह देखने जाता है और यहाँ पर आपको कुछ पता नहीं क्या दिया हुआ लेकिन कुछ तो यहाँ पर होगा साइड तक यहाँ पर कुछ ऑप्शन देखने मिल जाते हैं। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको रबड़ वगैरह देखने जाता है इसको सेफ्टी के लिए, अंदर के लिए कुछ इस तरह है। यहाँ पे देखो किसी मैटिंग कुछ इस तरह शॉप टाइप की मैटिंग यहाँ पे इसके अंदर रखी गई है। ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ पे कुछ हैंडल बार यहाँ पे देखने जाते हैं इधर भी साइड और अंदर जाने के बाद का व्यू कुछ इस तरह रहता है। यहाँ पे देखोगे तो काफ़ी अच्छा खासा लेग स्पेस
इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाता है। ऊपर की साइड आपको हैंडल बार यहाँ पे देखने जाती है, और यहाँ पे देखोगे LED लाइट्स यहाँ पे आपको इस गाड़ी के अंदर दी जाती है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे आपको भी आपको हैंडल बार देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको बोतल होल्डर्स देखने को मिल जाते हैं, और इधर भी साइड पे देखें तो यहाँ पे आपको एक बार और देखने को मिल जाता है। बात करें इसके सेकंड रो की, तो सेकंड रो में भी यहाँ पे देखोगे दो हेडरेस देखने को मिल जाते हैं, जो कि एडजस्टेबल हेडरेस आपको इसके अंदर दिए जाते हैं। यहाँ पे आप इजी देख सकते हैं, यहाँ पे आपका काफ़ी अच्छा खासा लेग स्पेस। अभी चलते हैं आगे सेकंड रो पे देखोगे तो यहाँ पे पहले चलते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं इसका फ्यूल टैंक, जो कि 63.5 लीटर का फ्यूल टैंक है, लगभग 64 लीटर के आसपास का फ्यूल टैंक कैपेसिटी आ जाती है। वही बात करूँ इसके माइलेज की, तो यहाँ पे जो कस्टमर के हिसाब से बात की जाए, तो यहाँ से आप गाड़ी के 13 से 14 के आसपास इसका एवरेज इसके अंदर आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपका क्रूजर की ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है, पीछे का टायर्स यहाँ पे कुछ इस तरह है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों उसके सेकंड रो की, तो सेकंड रो को ओपन करने के लिए यहाँ से इजीली ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपका डोर हैंडल बार, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स होल्डर देखने मिल जाता है, डोर ओपनर, और ग्लास को वन डाउन करने के लिए यहाँ पे आपको बटन देखने को मिल जाता है। अब चलते हैं इसके अंदर की साइड में, तो अंदर की साइड देखिए तो यहाँ पे कुछ इस तरह है। तो यहाँ पे जो थोड़ा सा लेग स्पेस थोड़ा सा आपको कम हो सकता है, मेरी हाइट्स लगभग 6 फीट के आसपास है, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी यहाँ पे आपको परेशानी हो सकती है, थोड़ी सी आपको आगे एडजस्ट करना पड़ सकता है। बट बाकी ओवरऑल देखें तो बहुत ही शानदार स्पेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देखिए 12 वोल्टेज का सॉकेट चार्जर, बोतल होल्डर, और यहाँ पे आपको यहाँ पे विंडोज़ के कंट्रोल्स वगैरह यहाँ पे आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपका पार्किंग लीवर दिया जाता है। ड्राइवर साइड के पीछे की बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको हैंडल बार, यहाँ पे आपका बोतल होल्डर, और यहाँ पे आपको पीछे की साइड वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने के लिए स्पेस दिया जाता है दोनों सीटों के अंदर। आगे का डैश देखें तो यहाँ पे डुअल टोन टाइप का यहाँ पे आपका डैशबोर्ड इस गाड़ी के अंदर रखा गया है, यहाँ पे आप इजीली इसके अंदर देख सकते हैं। आप चलते हैं इसकी फर्स्ट रो पे। रो पे जाने के लिए यहाँ पे आपको डोर को ओपन करना है, इजीली ओपन कर सकते हैं, और यहाँ पे भी आपको सारे सेम फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। अब चलते हैं इसके अंदर, तो अंदर की साइड देखिए तो यहाँ पे आपका नीचे की साइड एक्सेलेटर, ब्रेक, क्लच, यहाँ पे आपका ड्राइवर सीट जिसमें हेडरेस्ट, काफ़ी थाई सपोर्ट अच्छा है, साइड सपोर्ट अच्छा है, काफ़ी अच्छा, मतलब कुशनिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छी चीज़ है। और सीट को रिक्लाइन डिक्लाइन भी आप इसका आगे पीछे कर सकते हो, और आगे पीछे साइड फ्रंट साइड में यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे सारे फीचर्स यहाँ पे दी जाते हैं। अब चलते हैं दोस्तों इसके अंदर की साइड में, अंदर की साइड देखिए तो कुछ इस तरह का व्यू निकल के आता है, जहाँ पे इसको सीट को थोड़ा पीछा कर लेता हूँ, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे जो स्टीयरिंग व्हील है कुछ इस तरह रहने वाला है, जिसमें आपको फोर्स की बेजिंग, यहाँ पे फोर स्पोक स्टीयरिंग व्हील, यहाँ पे आपके वाइपर्स के कंट्रोल्स, यहाँ पे नीचे साइड लाइट्स के कंट्रोल, यहाँ पे आपको नॉन एसी गाड़ी है तो यहाँ पे आपको क्लोज किया वैसे की विंडो नहीं देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवलर, और यहाँ पे छोटा सा स्पेस वगैरह देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपका RPM मीटर, स्पीडोमीटर, छोटा MID लैंप, बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको देखने को मिल जाती है। डैशबोर्ड यहाँ पे भी आपको एसी की विंडो, आपको क्लोज टाइप के एसी के इवेंट्स दिए जाते हैं। यहाँ पे स्पीच देखने को मिल जाता है, हैजार्ड लैंप स्पीच, रीजनरेशन स्पीच वगैरह यहाँ पे आपको देखने को, बाकी डमी स्विच है यहाँ पे भी आपको स्पीच दिया जाता है। 12 वोल्टेज का सॉकेट चार्जर, यहाँ पे आपको 5 फॉरवर्ड प्लस 1 रिवर्स के साथ गियर लीवर, और इधर के साथ आपका पार्किंग लीवर इसके अंदर दिया जाता है। यहाँ पे आपको विंडोज़ के कंट्रोल्स यहाँ पे आपको इसके अंदर दिए जाते हैं। यहाँ पे आपकी को ड्राइवर सीट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इधर भी आपको काफ़ी यहाँ पे फोर्स की बेजिंग देखने को मिल जाती है। लोकेबल ग्लोव बॉक्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे क्वेश्चन दिए जाते हैं, या फिर मतलब कोई चीज़ अगर प्रॉब्लम करती है तो यहाँ से आप इसको गाड़ी को क्या करना है, कहाँ पे कुछ करना है, तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको इसके अंदर दी जाती है। वीडियो को पॉज करके आप इसको देख सकते हैं। ऊपर की साइड देखें तो IRVM, यहाँ पे सनवाइज़र, इधर भी सनवाइज़र देखने को मिल जाता है। ऊपर की साइड लाइट्स वगैरह देखने को मिल जाती है, और ऊपर भी बात करें उसकी टॉप्स की, तो काफ़ी अच्छा कुछ मटेरियल यहाँ पे इसके अंदर यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे रहता है ये काफ़ी डुअल टोन यहाँ पे डैशबोर्ड यहाँ पे इसके अंदर देखने को जाता है, जो ड्राइवर की विजिबिलिटी है वो भी काफ़ी शानदार इसके अंदर रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके इंजन की, तो अंदर का व्यू देखें तो कुछ इस तरह देखने वाला है। इसको ओपन करने के लिए यहाँ पे काफ़ी हैवी ड्यूटी, यहाँ पे काफ़ी बड़ा और काफ़ी हैवी यहाँ पे आपको बोनट देखने को मिल जाता है, और काफ़ी मजबूत बोनट है। और इंजन का रिव्यू कुछ इस तरह रहने वाला है। इसके अंदर जो इंजन है वो FM 2.6 CR यानी 2.6 लीटर का इंजन है जिसके अंदर यूज़ किया हुआ है, जो कि 4 सिलेंडर इंजन है और कॉमन रेल के साथ आता है, और टर्बो चार्ज इंटरकूल्ड इंजन आपको इसके अंदर दिया जाता है। मैक्सिमम टॉर्क की बात करूँ तो 250 Nm का टॉर्क निकालता है 1400 से 2400 RPM के ऊपर, और 63 यानी 67 किलोवाट पावर प्रोड्यूस करता है 3200 RPM के ऊपर। इसके अंदर जो गियर बॉक्स है 5 फॉरवर्ड प्लस 1 रिवर्स के साथ इसके अंदर गियर बॉक्स इसके अंदर यूज किया हुआ है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके डायमेंशंस की, इसके डायमेंशंस की बात करूँ तो यहाँ पे जो ओवरऑल लेंथ की बात करें गाड़ी की, तो 5120 mm की ओवरऑल लेंथ देखने को मिल जाती है, 3050 mm का इसके अंदर व्हील बेस देखने को मिल जाता है,
ओवरऑल विड्थ की बात करो तो 1818 mm की, और ओवरऑल हाइट की बात करो 2027 mm की ओवरऑल हाइट इसके अंदर देखने को मिल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसके गाड़ी के अंदर आपको 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी के अंदर दिया जाता है। GVW आपको इस गाड़ी के अंदर 3140 kg का GVW इस गाड़ी के अंदर दिया जाता है। प्राइस आपको लगभग इसके अंदर 13.5 लाख के आसपास की प्राइस रहने वाली है, और अक्सर ऑन रोड प्राइस की बात करूँ तो लगभग आपको 15.5 लाख के आसपास के अंदर प्राइस जाने वाली है। ये प्राइस वेरी कर सकती है स्टेट टू स्टेट, और कौन सा गाड़ी आप परचेज करते हैं उस हिसाब से आपको नियर बाई डीलर पर ज़्यादा कन्फर्म कर सकते हैं। अगर दोस्तों इस वीडियो के अंदर अपन ने सारी डिटेल कवर करने की कोशिश करी, अगर फिर भी कुछ डिटेल अगर रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। Thank you.